subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. सो मैंने जैसा कि इसका वीडियो बनाया था, मेरी कैट का ऑलमोस्ट 5 वीक्स हो चुके हैं और मुझे वो वीडियो बना के भी 1 हफ्ता और हो चुका है, बट स्टिल अभी तक के मुझे कोई सिम्टम्स दिखे नहीं हैं. ये नेस्टिंग ज़रूर कर रही है लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं चला है, मतलब अभी उसके लेबर पेंस भी नहीं आए हैं कि कब वो किटन्स देगी. सो ये मेरे लिए बहुत ही हार्ड टाइम है क्योंकि मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, अपने प्लान्स नहीं कर पा रही हूँ. शॉप का भी है, मुझे ग्रूमिंग्स के अपॉइंटमेंट होते हैं तो इस वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है क्योंकि मुझे इसके किटन्स देखना है. मुझे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है कि हम इसका कैसा क्या, मतलब टाइम टू टाइम हम इसकी कैसी केयर करेंगे और एवरीथिंग मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है. सो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी शॉप से आ जाऊँ, बट स्टिल अभी कोई प्रोग्रेस नहीं है, अभी कुछ भी लेबर के कोई साइन नहीं है. इस वजह से मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट जा रहा है, बट जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है कि ऑलमोस्ट इसके पूरे वीक्स कम्प्लीट हो चुके हैं एंड मैं जल्द से जल्द चाहती हूँ कि किटन्स हो जाए क्योंकि मुझे भी देखना है. काफ़ी टाइम हुआ, जब मैंने ये YouTube चैनल शुरू किया था उस वक्त जब मेरे पास बहुत सारे, मैं ब्रीड करती थी, मुझे बच्चे होने के बाद तो फिर मैंने भी बंद कर दी ब्रीडिंग, बट अभी मैंने वापस से जब ब्रीडिंग स्टार्ट की है तो मुझे अपने घर में मुझे किटन्स देखने थे और मैं जैसा कि फ़ील कर पा रही हूँ इसके किटन्स बहुत ही, मतलब फील हो रहे हैं राउंड, वो घूम रहे हैं तो फील हो रहे हैं. ये देखिए जैसा कि यहाँ पर भी मुझे किटन फील हो रहा है, सो बहुत ही अच्छे से पता चल रहा है. बट अभी कोई भी इसका ना ही स्ट्रेस में है, खा पी मज़े से रही है, घूम मज़े से रही है. जैसा कि कोई हमें डर होता है कि बिल्ली स्ट्रेस में और किटन्स क्यों नहीं डिलीवर कर रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. बट मैं और, मतलब और ये वीक और रुकूंगी और उसके बाद फिर हम जाएंगे डॉक्टर के पास इसको दिखाने के लिए. होल्ड ऑन गाइस. तो जैसा देखो, इसको खाने में, जैसे कोई कैट अगर स्ट्रेस में होती है ना तो वो खाना पानी छोड़ देती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. कैट बिल्कुल फिट एंड फाइन है और कुछ भी अभी छोड़ नहीं रही है खाने के लिए. और जब तक कि मैं ये पिद्दों को कुछ नहीं दूंगी तो ये बिल्कुल मेरे आसपास घूमते रहेंगे, इसीलिए मुझे उनको पहले देना पड़ता है. सो देखिए, अभी जैसा कि सारे के सारे कैट्स आ चुके हैं, सबको भी ट्रीट चाहिए क्योंकि ट्रीट की स्मेल आ गई है. सो हम अभी कंटिन्यू करेंगे इसके ऊपर बात करना क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है. हम और रुकेंगे अभी ये वीक और देखेंगे कि किटन डिलीवर होते हैं या नहीं और फिर हम जाएंगे बेड के पास इसकी सोनोग्राफी करने के लिए, क्योंकि वहाँ एग्जैक्टली हमें समझ में आएगा कि क्या पोजीशन है अभी किटन्स की. एंड ये मेरे छोटे छोटे किटन्स सारे, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं आपको कैट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजी शेड्यूल की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मुझे आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की. बट इंशाल्लाह मैं आप लोगों तक इसकी तो पूरी डिटेल्स दूंगी क्योंकि अभी बहुत सारा, अब वैसे भी अभी मार्च में तो आप लोगों को जैसे भी पता है कि ब्रीडिंग सीजन होता है, मैक्सिमम कैट्स ये टाइम पे हीट पर आ जाती है और किटन्स डिलीवर कर देती है. सो ये टाइमिंग ही है एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको ये कैट के लेके अपडेटेड रहूँ. सो मैं इसको लेके आप लोगों के साथ ज़रूर सारी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी. तब तक कि आप लोग दुआ कीजिए जल्द से जल्द किटन हो जाए एंड नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. और जैसे आप लोग प्यार दे रहे हो इंस्टाग्राम पे वैसे ही यूट्यूब पे भी दीजिए और मैक्सिमम लोगों से ये वीडियो शेयर कीजिए. और मैं इस रिलेटेड वीडियो, इस रिलेटेड टॉपिक पे कैट की नर्सिंग के लिए और प्रेगनेंसी के ऊपर जितने भी वीडियोस बना पाऊँ मैं आप लोग को शेयर करूँगी. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड यस, जल्दी मेरा न्यू वीडियो आएगा.